शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से श्रद्धा जी, मम्मी जी, वैसे आप कुछ कहने और सुनने के लिए बचा ही नहीं, बड़ा जल्दी आ गई तुम ऊपर, नीचे की रसोई भी धो देती, क्यों? नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है, वो तो बस मैं गुड़िया को एक बार देखने गई थी। नहीं नहीं, वैसे भी तुम तो नीचे ही काम करती हो, है ना, कभी कीर्ति की नौकरानी, कभी उसकी बच्ची की आया, तो तुम तो उन्हीं को देखोगी, वैसे भी अपनी गृहस्थी तो तुम भूल ही गई हो। मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है, वो गुड़िया भी तो मेरी बेटी जैसी ही है ना। हाँ, बस यही बात याद रखना, तुम्हारी बेटी जैसी, बेटी नहीं। अरे श्रद्धा, कीर्ति ने अपना परिवार पूरा कर लिया है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि नहीं, तुम्हें अपना बच्चा चाहिए ना। जी मम्मी जी, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ। अरे श्रद्धा बेटा, जब मन में इच्छा होती है ना, तो तरीका खुद ब खुद निकल आता है। हम तुम्हें बताएंगे कि करना क्या है। कीर्ति, उठो ना, गुड़िया बहुत रो रही है, शायद उसे भूख लगी होगी, जाओ देखो। हमने उसे दूध पिला दिया था, आप प्लीज देख लीजिए ना। कीर्ति, ये बहुत रो रही है, इसकी तबीयत खराब हो जाएगी, उठो ना प्लीज। नहीं, आप देख लीजिए प्लीज। बोश 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 बोश, पापा की परी है ना, चुप हो जाओ डा गुड़िया, चुप हो जाओ। नहीं नहीं, रोते नहीं है। कीर्ति देखो ना, वो रोए जा रही है, देखो ना, मैं इतना चुप करा रहा हूँ, चुप ही नहीं हो रही है, कुछ करो ना, इसकी तबीयत खराब हो जाएगी, उठो ना प्लीज। अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हाँ देखो, आराम से, आराम से। क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों इतना रो रही हो, क्या हो गया? चुप हो जाओ, ओ ओ ओ, चुप हो जाओ। हाँ, ओ आ, अरे यहाँ तो कुछ और ही कांड चल रहा है, आप डायपर लेकर आइए। ओ ओ, कीर्ति आराम से, वो देखो। अरे हम कर रहे हैं ना, हमें करने दीजिए। बस हो गया। अरे वो ध्यान से। हाँ हाँ हो गया। चल हाँ हाँ आराम से। ओ ओ ओ ओए 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 ओए। कीर्ति उसे चुप कराओ ना, कर रहे हैं ना, आप सो जाइए। ओए ओए, सो जा गुड़िया,
सो जा गुड़िया। थक गया था तुम्हारा इंतजार करते करते। कहाँ चली गई थी तुम और मम्मी? अच्छा वो सब छोड़ो, बहुत काम है। अब मैंने कल के लिए प्लान बना लिया है। सुबह सबसे पहले जाएंगे डॉक्टर के पास, उसके बाद सीधा वहां से चलेंगे मीटिंग पे। इसलिए पहले तुम ये डिजाइन्स देख लो प्लीज। दीदू दीदू, हमें पता है कि आपका हमारी बेटी के बिना मन नहीं लग रहा होगा। आपके खुद के बच्चे नहीं है ना, इसीलिए। तो हमने सोचा कि आप इसे खिला भी दीजिए और सुला भी दीजिए, फिर हमारे पास ला के दे दीजिए। पहले पति नहीं संभाला गया, अब बच्ची नहीं संभाल रही। श्रद्धा कल मीटिंग है, अब तुम पूरी रात बच्ची को सुलाती रहोगी तो खुद कब सोओगी और कब उठोगी? श्रद्धा, तुम्हारी बहन के रहते हम कुछ कर भी पाएंगे या नहीं? अभय, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आप थोड़ी देर इसके साथ खेल कर तो देखिए, सब भूल जाएंगे। हम दोनों भूलने लगे तो काम कौन करेगा, तुम्हारी बहन? अबे आई, आप इसके साथ खेलिए तो सही। बैठिए बैठिए। अरे वाह, हाई फाइव। एक बच्ची कम थी जो तुम भी बन गई। अबे चलिए, अब कोई तो है जो आपको चुप करा सकती है। आप सोए नहीं अभी तक? नहीं नहीं बेटा, हमें ना श्रद्धा के साथ कुछ काम था। हाँ जी मम्मी जी, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था हमारा। तुम दूसरों के बच्चों को पालते रहो और खुद की गोद सुनी रहे। पर श्रद्धा, हमारा काम भी तो जरूरी है ना। अब तुम कल सुबह कैसे जाओगी अगर पूरे रात इसी के साथ लगी रहोगी? जी, आपकी कही हर बात मेरे लिए जरूरी है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं कल सुबह आपको समय पे तैयार मिल जाऊंगी। ठीक है, लेकिन तुम ना अभय को ये मत बताना, क्योंकि घर की औरतों वाली बातें मर्दों और खासकर अभय के समझ के बाहर है। ठीक है जी। तनुजा भाभी, अरे आ गए आ गए। ये देखिए आपके मन पसंद सैंडविचेस। श्रद्धा, श्रद्धा, अबे श्रद्धा को देखा क्या? सुबह सुबह पता नहीं कहाँ चली गई है। डिजाइन पे काम करना है मुझे और मिल ही नहीं रही। किचन में हो शायद। अरे और श्रद्धा, आपकी एक्सप्रेस, आपकी पत्नी तो बाहर गई हुई है।
बाहर कहाँ? अरे नहीं, वो बस टहलने गई है, आती ही होगी। इतनी कमजोरी में उसे कसरत की पड़ी है? अरे तुम हम पे काहे चिल्ला रहे हो? तुम चाय पियोगे? हम अभी लाते हैं। हाँ मम्मी, फोन भी लग नहीं रहा है। अरे मंजर में फोन लेकर कौन जाता है? मंदिर क्या करने बुआ जी? माता रानी, ये हमारी खाने की आदत ना हमें लेट डूबेगी। अरे हम तो भूल ही गए, हमें तो रेडियो के प्रोग्राम के लिए निकलना है। हम चलते, हमें देर हो रही है। बुआ जी मैं जानता हूँ इतनी सुबह आपका कोई रेडियो प्रोग्राम नहीं होता है, तो सच सच बताइए श्रद्धा मंदिर क्यों गई है? अरे बेटा, सुनो, श्रद्धा को सुबह 5 बजे मंदिर पहुंचना था। क्यों बुआ जी? वहां पहुंचकर करना क्या होगा मम्मी जी? एक पंडित जी ने कठोर तप बताया है। श्रद्धा सोच समझ कर हाँ बोलना, क्योंकि अगर तो घेर वेर गई तो बुआ जी मैं करूंगी, आप बस मुझे बताइए करना क्या होगा। उसके बाद मंदिर के ठंडे पानी से स्नान करना होता है और खुद को शुद्ध करना पड़ता है। पीपल के पेड़ के इर्द गिर्द 101 मर्तबा परिक्रमा करनी होगी, वो भी बिना रुके। उसके इसी कठोर तप की वजह से भगवान प्रसन्न होंगे और उसे आशीर्वाद देंगे और उसकी गोद भर देंगे। अरे मुझे समझ में नहीं आता, यहाँ बैठे बिठाए सबको हो क्या जाता है? श्रद्धा को क्या सोची ये सब करने की? अरे अब अगर माँ बनना है तो इतना तो करना। अरे तू अब है वो मम्मी, मुझे हमेशा से लगता था कि आप कभी कभार बहुत सख्ती करती हैं, लेकिन आप एक समझदार माँ हैं। मैं श्रद्धा को ये तप नहीं करने दूंगा, वो भी बच्चे के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपको बोलूं क्या। अरे अब आपको जो करना ना करिए, पर मैं ये श्रद्धा को नहीं करने दूंगा, जा रहा हूं उसे रोकने। अरे अब है रुको, हमें भी साथ लेकर चलता। रितु काम से काम नहीं रख सकती हैं क्या?
हर जगह आग लगाना जरूरी है आपको? भाभी आप कैसी बातें कर रही है, हम आपकी खुशियों में भला आग क्यों लगाएंगे? ये जो कुछ भी हुआ गलती से हुआ, हमारी गलती से सब बात फिसल गई। अरे रहने दीजिए। हे भगवान, अभय के वहां पहुंचने से पहले श्रद्धा अपना तप पूरा कर ले बस। मैं पूरी करूंगी परिक्रमा। 99 101 श्रद्धा, श्रद्धा, श्रद्धा आंखें खोलो, श्रद्धा, 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 श्रद्धा आंखें खोलो, श्रद्धा, श्रद्धा मेरी तरफ देखो, श्रद्धा, दीदी, आराम, आराम से। श्रद्धा, 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 देखो मैं आ गया हूँ, श्रद्धा, 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 पानी पियो, पानी पियो, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, बस, 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 आराम से। चलो फिर, चलो आराम से।
हाँ इतना हंस रहे हो? ऑफिस से फोन, जरूरी काम होगा। बस 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 तो नहीं पापा यहीं पर। कीर्ति 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 जल्दी आओ ना। क्या हुआ वरुण जी, अब इतना क्या शोर मचा रहे हैं? अरे दो मिनट के लिए गुड़िया को पकड़ो ना, मेरे ऑफिस से इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। ये क्या वरुण जी, आप थोड़े देर के लिए भी अपनी बच्ची को नहीं संभाल सकते? सब कुछ हम अकेले करें, अरे हम भी थकते हैं। अरे मेरा मतलब वो नहीं था, पर मुझे भी तो काम है ना, अब हमें बच्चा हो गया तो खर्चे भी तो बढ़ गए हैं ना। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि गलती हमारी है कि हम अपनी बच्ची के लिए दुनिया की सबसे अच्छी चीजें मंगवाना चाहते हैं। अरे मेरा मतलब वो नहीं है, पर पैसे भी तो पेड़ पे नहीं उगते ना, उसके लिए मुझे दिन रात काम करना पड़ेगा। पर थोड़ी देर के लिए अगर संभाल लोगी तो क्या हो जाएगा, और अगर तुमसे नहीं संभाला जा रहा है तो श्रद्धा को बुला लो ना। क्यों, हमेशा हमारी बच्ची को दीदू क्यों संभालेंगी? तुमसे बहस करने में ना मेरी जॉब चली जाएगी। हेलो जी सर, वो एक्चुअली मैं बिजी था जी, मैं बस निकल ही रहा हूँ, आई सी यू। देखा गुड़िया, दुनिया में ना सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चे से एक माँ ही कर सकती है और कोई नहीं। भाभी हमें ना बहुत डर लग रहा है, नया नया प्यार हुआ है ना अभय को श्रद्धा से, हमें इस बात का डर है कहीं गुस्से में हमारे लिए खटिया ना खड़ी कर दे वो। अभी तो वापस नहीं आए वो लोग। आखिर श्रद्धा ने परिक्रमा पूरी नहीं की। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? बिना हमसे पूछे हमारी गुड़िया को कमरे से क्यों ले गई आप? आप शायद भूल जाती है कि इसकी माँ हम हैं, आप नहीं। कीर्ति, ये क्या तरीका है श्रद्धा से बात करने का? आप पहले हमें नहीं दीदू को डांटिए, आप सबको बस मौका चाहिए हम पे चिल्लाने का। और दीदू आपकी गलती, तो आज से आप हमारी गुड़िया को हाथ भी नहीं लगाएंगी, हमारी बेटी के पास भी नहीं आएंगी। बस किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।